नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे कि आपको वॉइस प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। गुड इवनिंग साथियों, एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे कि वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही। चलिए सब ठीक है, चलो बढ़िया सुंदर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो तो आज है साथियों 14 सितंबर, और आज के दिन होता है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। तो हिंदी दिवस की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। भाषा किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसको अगर जानना है तो भाषा को लेकर के भारत में हुई लड़ाइयों को आप जान सकते हैं। भाषा के आधार पर ही राज्यों का निर्माण किया गया। सबसे पहला कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर। तो भाषा का बड़ा मुख्य रोल है, क्योंकि हर काम के लिए भाषा की आवश्यकता है। व्हेन यू कम्युनिकेट विथ एनी वन एट दैट टाइम यू यूज लैंग्वेज। हाँ, थोड़ी सी अंग्रेजी हम भी झाड़ लेते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती है। सामान्य बोलचाल में जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ अंग्रेजी बोलो। हाँ, ये मैं बस आपको बताने के लिए अंग्रेजी बोल रहा था कि हमको आता है लेकिन हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि जहाँ ज़रूरत है हिंदी में बात करने की तो आप हिंदी में बात कर लीजिए। जहाँ पर ज़रूरत है, आप अपने गाँव में हैं तो गाँव के किसी व्यक्ति को अगर शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आती है तो उसके भाषा में बात कर लो। भाषा का मतलब आपने कुछ कहा, सामने वाले ने समझ लिया, ठीक है ना? हाँ, तो भाषा का इतना सा मतलब होता है, और उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो है लोग आगे पीछे जोड़ करके, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, नेताओं का अपना अलग चलता रहता है, अपना बात करते रहते हैं। सब भाषा अच्छी है, बस सबको अपनी भाषा अच्छी लगती है, सिंपल सी बात है। चलो ठीक है साथियों, तो हम लोग आज बात करेंगे मास्टर मुसाय नंदलाल बोस पर। नंदलाल बोस जो कि महान कला गुरु अवनी बाबू के सबसे प्रिय शिष्य थे। अवनी बाबू को जिसमें इतना विश्वास था कि हमारे द्वारा चलाए गए इस कला आंदोलन को अगर कोई शिखर पर पहुंचा सकता है तो वो नंदलाल बोस है। नंदलाल बोस जिनके बारे में कला इतिहासकार लिखते हुए नहीं थकते हैं, उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। नंदलाल बोस जिनके पास एक थैली होती थी जिसको 1 लाख का थैली कहते थे, उसमें हमेशा कूची, ब्रश, स्केच बनाने के लिए कागज, सब कुछ होता था। जहाँ कहीं पर भी उनको कुछ नई चीज़ दिखती थी उसका वो तुरंत स्केच बना लेते थे। नंदलाल बोस जिसको महात्मा गांधी ने कहा था कि चित्रकला अपने घर में संवारने के लिए बनाई गई चीज़ नहीं है, चित्रकला को आप सड़क पर बना करके रख दीजिए ताकि आता जाता आदमी भी उसको देखे और उससे सीख सके। नंदलाल बोस जिनके शिष्यों ने भारत में बड़ा नाम रोशन किया। नंदलाल बोस जिन्होंने कई महत्वपूर्ण प्राचीन गुफाओं के चित्रों की अनुकृतियां बनाई। नंदलाल बोस जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान के मूल प्रतीक को सजाया। नंदलाल बोस जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई अधिवेशनों को सजाया। नंदलाल बोस जिनके शिष्यों में बड़े मूर्तिकार, बड़े चित्रकार और हर विधा में काम करने वाले व्यक्ति आगे बढ़े। इतना परिचय ठीक है ना? थोड़ा सा परिचय लंबा दिया जाए।
हाँ, नव बंगाल शैली के जन्मदाता। अच्छा, तो मुद्दे पर आते हैं, सवाल शुरू करते हैं, ठीक है ना? राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर एक पर आते हैं। सवाल नंबर एक आपके स्क्रीन पर ये रहा, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ? बड़ा सरल सवाल है, सबको उत्तर देना है। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ? अब विकल्प क्या लिखा हुआ है? ये सारे विकल्प गलत लिखे हुए हैं, ठीक है ना? ये विकल्प गलत लिखे हुए हैं, विकल्प को एडिट ही नहीं किया गया है। कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे बता दीजिए, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है भाई। ये पिछले सवाल के पीपीटी पर एडिट नहीं किया गया है, इसको भी देख करके आपको मजा आया होगा ना। कई लोग कह रहे हैं कि ये क्या है भाई, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ? हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुणेंद्रनाथ। चलो ठीक, कोई बात नहीं, पीपीटी बनाने वाले की गलती माफ कर देते हैं। हम अपने मुद्दे पर आते हैं। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ साथियों? इनका जन्म हुआ था बिहार में, बिहार, बिहार के मुंगेर जिले में। कहाँ पर? बिहार के मुंगेर जिले में खड़गपुर एक जगह है। कहाँ पर? खड़गपुर एक जगह है, 1882 ईस्वी में। कहीं कहीं पर 1883 लिखा हुआ है, सर फड़गोल करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों मैंने लिख दिया है, ठीक है ना? इनका जन्म हुआ कब? 1882 या 1883 में। कहां पर? बिहार मुंगेर में, ठीक है ना? इनके पिताजी जो थे ना, वो वास्तुविद थे और जो है एक बड़े क्षेत्र के जो है अंग्रेजी अधिकारी भी थे, तो उनका रसूख ठीक ठाक था, परिवार अच्छा था। हाँ, और चित्रकला में इनकी शुरुआत से ही रुचि थी, बढ़िया ठीक ठाक रुचि इनकी चित्रकला में थी, संपन्न परिवार था, तो जिस प्रकार का इच्छा था उस दिशा में उनको आगे बढ़ाया गया। लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ाने से पहले जरूरी ये था कि जो है विवाह कर देना चाहिए। विवाह करने से लोग बंधन में बंध जाते हैं, एक जिम्मेदारी का भाव आ जाता है, तो 1903 ईस्वी में इनका विवाह कर दिया गया। 1903 ईस्वी में इनका विवाह कर दिया गया। कहा गया, भैया ऐसा है, कलकत्ता पढ़ने जा रहे हो ना, पहले विवाह कर लो। कलकत्ता को लेकर के बड़ा भ्रम था पूरे भारत में कि कलकत्ता की महिलाएं पुरुषों को फंसा लेती हैं अपने जाल में, तो इनका विवाह भी कर दिया गया कि तुम कलकत्ता जा रहे हो तो भैया तुम पहले विवाह अपना कर लो, उसके बाद कलकत्ता जाओ, ठीक है ना? हाँ, पूर्णचंद्र बसु इनके पिताजी का नाम था। 1903 ईस्वी में इनका क्या हो गया? विवाह हो गया। उसके बाद में इनको आजादी दे दी गई कि तुम जाओ अब अपनी कला की साधना को आगे बढ़ाओ, ठीक है ना? हाँ, नहीं थी, कलकत्ता के बारे में कहावत थी कि जादू कर देती हैं कलकत्ता की महिलाएं। बिल्कुल। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था, अगर किसी को पता है तो बताए। हाँ, सुधीरा देवी, वेरी गुड, कई लोगों ने बताया, सुधीरा देवी इनके पत्नी का नाम था, सुधीरा देवी। नंदलाल बोस की पत्नी का नाम क्या था? सुधीरा देवी था, ठीक है ना? चलो, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, बोस ने कलकत्ता आर्ट कॉलेज में कब दाखिला लिया? बोस ने कलकत्ता आर्ट कॉलेज में दाखिला कब लिया? 1903 ईस्वी में, 1905 में, 1908 में, 1911 में। बोस ने कलकत्ता आर्ट कॉलेज में दाखिला कब लिया? नंदलाल बोस ने कलकत्ता आर्ट कॉलेज में दाखिला कब लिया?
वो कौन सा साल था जब नंदलाल बोस ने कलकत्ता आर्ट कॉलेज में दाखिला लिया? तो मैंने बताया कि पहले विवाह करो तब कलकत्ता जाओ, है? तो विवाह तो 1903 में हो गया है, इसका मतलब कि उसके बाद जाएंगे, विकल्प सब उसके बाद ही वाला मैंने रखा, इसीलिए 1905, 1908, 1911, बताइए। कोई 1805 बता रहा है, हैं? 1882 में पैदा हो गए तो 1805 में है? स्कूल जाएंगे, ध्यान से। हाँ, 1905 ईस्वी में, वेरी गुड, 1905 ईस्वी में नंदलाल बोस कलकत्ता आर्ट कॉलेज में दाखिला लेने के लिए गए, ठीक है ना? अब ये कितना अच्छा संयोग था, आप सोचिए। हाँ, कितना अच्छा संयोग है। क्यों संयोग क्यों अच्छा है? अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल जैसा व्यक्तित्व इस समय प्रधानाचार्य है, और अवनींद्रनाथ टैगोर जैसा व्यक्तित्व इस समय उप प्रधानाचार्य है, और आया कौन है पढ़ने? नंदलाल बोस। कल्पना करिए 1905 में ये तीन महान भूतियां एक साथ होंगी जो आगे चल करके भारतीय चित्रकला को सबसे ऊपर वाले जो बिंदु, क्या कहते हैं उसको, उच्चतम बिंदु तक लेकर के जाएंगी। हाँ, तो 1905 में इन्होंने कलकत्ता आर्ट कॉलेज में दाखिला लिया, ठीक है ना, कलकत्ता आर्ट कॉलेज में। चलिए, कलकत्ता आर्ट कॉलेज में, ठीक है ना, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, बोस ने कलकत्ता आर्ट कॉलेज में प्रवेश हेतु कौन सा चित्र दिखाया था? रिटर्न ऑफ बुद्धा, अरहर का पौधा, महाश्वेता, या इनमें से कोई नहीं? इनका एडमिशन नहीं हो रहा था। पहले अपने आप को प्रूफ करो, इतने बड़े कॉलेज में पढ़ोगे, हैं? दिखाना पड़ेगा ना कुछ, तो घूस के तौर पर कह सकते हैं, किसी भी तौर पर इनको एक पेंटिंग अपनी दिखानी पड़ी। कौन सी पेंटिंग दिखाई थी, कौन सी पेंटिंग? रिटर्न ऑफ बुद्धा, अरहर का पौधा, महाश्वेता, या इनमें से कोई नहीं? चलिए, सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं। मतलब सब होशियार हो गए हैं, तो परीक्षा में सबका पेपर अच्छा होगा, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी भर्ती है नहीं है, हैं? हम तो चाहते हैं कि सबका सिलेक्शन हो जाए, सब मास्टर बन जाए। कोई बात नहीं, लगे रहिए, हाँ, क्योंकि आपको तो बस एक ही सीट चाहिए। अब जो वहां पर पेपर देते वक्त जिसका मनोदशा सबसे अच्छा रहेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, महाश्वेता, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाश्वेता। ये पेंटिंग नंदलाल बोस ने दिखाई थी, और इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल, और उन्होंने पहचान लिया था कि ये द ग्रेट नंदलाल बोस बनेगा, और बने भी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, बोस ने किससे जापानी स्याही पेंटिंग सीखा था? बोस ने किससे जापानी स्याही पेंटिंग सीखा था? हिशिदा से, अराई कैंपो से, ओकाकुरा से, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। बोस ने किससे जापानी स्याही पेंटिंग सीखा था? तो बोस साहब जो है कलकत्ता आर्ट कॉलेज में पढ़ते वक्त ही गुरु रवींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में आ गए। गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर ने उनकी कला प्रतिभा को देखा और उनको निमंत्रण दिया कि आ जाओ शांति निकेतन में और यहाँ कुछ अच्छा करो। शांति निकेतन में उनके साथ वो चले गए, और उनके सानिध्य में जब रहे तो बहुत सारे लोगों का गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर के घर पर आना जाना होता था, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय विभूति थे, बहुत सारे लोग उनके घर पर आते थे, तो उसका फायदा इनको मिला। बताएंगे, हिशिदा, अराई कैंपो, ओकाकुरा, या इनमें से कोई नहीं? बोस ने किससे जापानी स्याही पेंटिंग को सीखा था? सभी लोग रिप्लाई करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा?
सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, तो भैया हिस्सेदार नहीं सही होगा, जो लोग हिस्सेदार बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, ज्यादातर लोग हिस्सेदार ही बता रहे हैं। ओकाकुरा भी सही नहीं होगा, अराई कैंपो सही होगा, अराई कैंपो, ठीक ना? हाँ, अराई कैंपो बी वाला सही हो जाएगा। अराई कैंपो, हाँ, एक जापानी कलाकार था और इसी से जो है जापानी स्याही पेंटिंग की तकनीकी अवनी बाबू ने सीखा था, सॉरी मास्टर मोसाई ने, नंदलाल बोस ने, अवनी बाबू ने। नहीं, मैं सोच में नहीं, मैं एसी का टेम्परेचर ठीक कर रहा था, सोच में नहीं था। चलिए, सूरज जी का सही था, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। बोस कला भवन में किस वर्ष तक अध्यक्ष रहे? बोस कला भवन में किस वर्ष तक अध्यक्ष रहे? 1925, 1945, 1935, 1953। बोस कला भवन में किस वर्ष तक अध्यक्ष रहे? बोस कला भवन में किस वर्ष तक अध्यक्ष रहे? नंदलाल बोस कला भवन में किस वर्ष तक अध्यक्ष के पद पर रहे? तो कला भवन के सबसे पहले संचालक, अध्यक्ष, सचिव, जो भी कहना चाहे, कौन थे? आसित कुमार हालदार थे। कौन? आसित कुमार हालदार, ठीक है ना, आसित कुमार हालदार। कला भवन की स्थापना कब हुई है? 1919 में कला भवन की स्थापना हुई है। कहां पर? शांति निकेतन में। कहां पर? शांति निकेतन में। और शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में किसने किया था? गुरु रवींद्रनाथ टैगोर ने, रवींद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। तो सबसे पहले तो हालदार साहब बनते हैं, ठीक है ना, हालदार साहब। हालदार साहब के बाद में कुछ दिन तक अस्थाई अध्यक्ष के रूप में शांति निकेतन का संचालन करते हैं नंदलाल बोस। और उसके बाद में 1923 में, 1923 में अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं, अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं। और यहाँ से लेकर के 1953 ईस्वी तक अध्यक्ष के पद पर रहते हैं, 1953 ईस्वी तक अध्यक्ष के पद पर रहते हैं। हाँ, 1919 से लेकर के 1921 तक हालदार साहब, 21 में अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं बोस साहब, और 1923 में अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है ना, चल, तो इसका मतलब उत्तर यहां पर डी सही हो जाएगा, 1953। अगला सवाल, बोस ने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया? बोस ने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया? बताइए, बहुत सरल सवाल है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, बोस ने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया? बोस ने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया? नंदलाल बोस गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, वे भी सूत काटते थे, नंदलाल बोस भी सूत काटते थे, गांधी जी के राष्ट्रवादी विचारधारा से बहुत ज्यादा वो प्रभावित थे। हाँ, चलिए बताइए।
सबसे पहले असहयोग आंदोलन कब हुआ है? 1920 में, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसका तो कोई महत्व ही नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ और सबसे पहले इसी आंदोलन में नंदलाल बोस साहब ने भाग लिया था। किसमें? असहयोग आंदोलन में, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन में इन्होंने सबसे पहले भाग लिया था, गांधी जी के साथ इन्होंने आंदोलन में भाग लिया। ये आंदोलन कब तक चला था? 1920 में प्रारंभ हुआ, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ये आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। और ये डेट हमें क्यों याद है? ये खास है। क्या खास है? चौरा चौरी कांड हुआ था इसी दिन। चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड इसी दिन हुआ और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरा चौरी कहाँ पर स्थित है, जानकार लोग बताएंगे। चौरा चौरी कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में चौरा चौरी है। यहाँ पर एक भड़की हुई भीड़ ने एक थाने में बहुत सारे पुलिस वालों को भर करके आग लगा दिया था। और ये खबर जब गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि आंदोलन जो है देवरिया में है, चौरा चौरी गोरखपुर में नहीं, देवरिया में है। हो सकता है कि गोरखपुर देवरिया के बॉर्डर पर हो, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मे भी मेरी जानकारी में देवरिया में है, बाकी हो सकता है कि गोरखपुर देवरिया के बॉर्डर पे हो, क्योंकि दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। हो सकता है कि बॉर्डर एरिया हो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो चौरा चौरी कांड में क्या हुआ कि लोगों को जला दिया गया। गांधी जी इस बात से बहुत आहत हुए और उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। और इस बात से सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू साहब नाराज हो गए थे गांधी जी से कि आपने आंदोलन क्यों वापस लिया, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात, चलो। तो सबसे पहले नंदलाल बोस ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन में देवरिया में गोरखपुर के पास, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी जानकारी में देवरिया, हो सकता है बॉर्डर एरिया हो गोरखपुर के साथ में, क्योंकि बॉर्डर शेयर करता है। कला पर आ जाते हैं, ठीक है ना, जीएस में ज्यादा नहीं घुसेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी नंदलाल बोस साहब ने भाग लिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किससे है? दांडी मार्च से है, दांडी मार्च। और दांडी मार्च का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है? बोस साहब ने बनाया है, वो इसी यात्रा के दौरान बनाया गया था, ठीक ना। दांडी मार्च, और बापू शीर्षक से बनाया था। किस शीर्षक से? बापू, बापू जी शीर्षक से बनाया था दांडी मार्च का चित्र नंदलाल बोस ने, ठीक है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, हाँ, सबसे पहले भाग लिया असहयोग आंदोलन में, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल देखेंगे। बोस ने किस कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सबसे पहले सजाया था? बोस ने कांग्रेस अधिवेशन को सबसे पहले सजाया था। किस कांग्रेस अधिवेशन को सबसे पहले सजाया था? लखनऊ, फैजपुर, हरिपुरा, कलकत्ता, बताइए। सबसे पहले किस अधिवेशन को सजाया था, किस अधिवेशन के पंडाल को सजाया था?
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ भी बता रहे हैं यार। अच्छा, कुछ लोगों ने केवल एक ही सुना है, हरिपुरा। हरिपुरा होगा सर, हैं, हरिपुरा होगा, देख रहे हैं। ज्यादातर उत्तर किसका है? हरिपुरा का है। उनको पता है कि हरिपुरा में भारतीय ग्रामीण जीवन का है। हाँ, अरे हरिपुरा के आगे पीछे भी तो कुछ चीजें हैं, चलो डिस्कस करते हैं। एक मैं आपको हिंट देता हूं, इन अधिवेशन में से सबसे पहले जो अधिवेशन हुआ है, ठीक है ना? हाँ, मतलब जो विकल्प में सही है, उनमें जो सबसे पहले अधिवेशन हुआ है उसमें उन्होंने सबसे पहले सजाया था। देखिए, कलकत्ता छोड़ दीजिए, कलकत्ता में कई अधिवेशन हुए हैं, करीब 7-8 अधिवेशन हुए हैं। चलो सस्पेंस को खत्म करते हैं। 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, 1936 में, ठीक है ना? फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ और हरिपुरा 1938 में हुआ, ठीक है ना? सबसे पहले उन्होंने लखनऊ अधिवेशन के पंडाल को सजाया था गांधी जी के आग्रह पर। लखनऊ, लखनऊ अधिवेशन को सबसे पहले, लखनऊ अधिवेशन। हाँ, हरिपुरा वाले चच्चा आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सब लोग एक तरफ से, हरिपुरा पहले लखनऊ के पंडाल को सजाया, फिर फैजपुर के पंडाल को सजाया, फिर हरिपुरा के पंडाल को सजाया है, ठीक है ना? सबसे पहले लखनऊ। ओके, आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला सवाल, अर्जुन एवं चित्रांगदा का भित्ति चित्र कहाँ बनाया था? बोस ने, ये तो सवाल पूरा नहीं है, ऐसे करिएगा, बोस ने अर्जुन एवं चित्रांगदा का भित्ति चित्र बनाया था, कलकत्ता आर्ट कॉलेज में, शांति निकेतन में, वैज्ञानिक बोस के घर पर, या बसु विज्ञान मंदिर में? बताइए। ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी कह रहे किस बुक में है, आप बताइए, गलत बता रहे हैं। अब किताब का नाम हम लेंगे तो प्रचार हो जाएगा, और ये हम करते नहीं, किसी भी दूसरे लेखक का मैं प्रचार नहीं करता हूँ, क्योंकि ये का करूँगा दूसरे नाराज हो जाएंगे। सब हमारे बहुत ही प्रिय हैं, बहुत स्नेह देते हैं, तो मैं किसी भी लेखक के किताब का जिक्र केवल रेफरेंस के लिए तब करता हूं जब सही गलत की बात होती है, अदरवाइज नहीं करता हूं। चलिए, अर्जुन एवं चित्रांगदा का भित्ति चित्र बोस साहब ने कहां पर बनाया है? कलकत्ता आर्ट कॉलेज में, शांति निकेतन कला भवन में, वैज्ञानिक बोस के घर पर, या बसु विज्ञान मंदिर में? सही उत्तर क्या हो जाएगा? शांति निकेतन के कला भवन में। वेरी गुड, शांति निकेतन के कला भवन में इन्होंने अर्जुन एवं चित्रांगदा शीर्षक से भित्ति चित्र बनाया है, ठीक ना? इसका मतलब कि बोस साहब भित्ति चित्र में भी माहिर थे। हाँ, बहुत भित्ति चित्र इन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा इन्होंने वैज्ञानिक बोस के घर पर भी जाकर के भित्ति चित्र बनाया था। एक इनका जो है ऑफिस कह सकते हैं, या विज्ञान केंद्र था, बसु विज्ञान मंदिर, जहां पर भी इन्होंने भित्ति चित्र बनाया था। लेकिन जो अर्जुन एवं चित्रांगदा है, ये कहां पर बनाया है? शांति निकेतन में, ठीक है ना? शांति निकेतन में। भारत में भित्ति चित्रण सबसे पहले किस गुफा में देखने को मिलता है? 10 सेकंड के अंदर बताइए। भारत में भित्ति चित्रण सबसे पहले किस गुफा के अंतर्गत देखने को मिलता है?
भारत में भित्ति चित्रण सबसे पहले किस गुफा के अंतर्गत देखने को मिलता है? सभी लोग फटाफट रिप्लाई करेंगे। हाँ चलिए, सही जवाब, सबका उत्तर सही है। जोगी मारा सही हो जाएगा। क्या? जोगी मारा। जोगी मारा में सबसे पहले भित्ति चित्रण हुआ है। जोगी मारा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के रायपुर की सरगुजा रियासत में स्थित है। जैन धर्म से इसका संबंध है। मौर्यकालीन गुफा मानी जाती है डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। नहीं, मैं एक मैसेज देख रहा था, मोबाइल में आया है कि एक स्टूडेंट ने 10-12 मैसेज एक साथ कर दिया, तो मुझे लगा कुछ अर्जेंट होगा, देख लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। जलता देवदार एवं नटीर पूजा का भित्ति चित्र कहाँ बनाया था? बोस ने, हाँ, जलता देवदार एवं नटीर पूजा का भित्ति चित्र कहाँ बनाया था? कलकत्ता आर्ट कॉलेज में, शांति निकेतन कला भवन में, वैज्ञानिक बोस के घर पर, या बसु विज्ञान मंदिर में? तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? सेम, शांति निकेतन कला भवन में। जलता देवदार एवं, हाँ, नटीर पूजा का भित्ति चित्र। क्या हो जाएगा? शांति निकेतन कला भवन। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये ललन टॉप रिवीजन के टॉप 1500 सवाल हैं और इनका बुकलेट तैयार हुआ है। इस समय लगभग 250 बुकिंग हो चुकी है। हाँ, और मात्र 500 बुकिंग होनी है। इसकी फीस है मात्र ₹500, 500 बुकिंग पर। उसके बाद निश्चित तौर पर इसकी फीस बढ़ जाएगी। इसमें कथन कारण वाले सवाल होंगे, मिलान वाले सवाल होंगे, वन लाइनर वाले सवाल होंगे, हर प्रकार के सवाल होंगे। इम्पोर्टेंट है, बुक करने के लिए आपको संपर्क करना है इस नंबर पर, 9616-8276-46 पर। संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरा है 8601-75-78-45, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, चल अगला सवाल। अगला सवाल है, बोस ने कीर्ति मंदिर के राजप्रसाद को भित्ति चित्रों से किस वर्ष सजाया? बोस ने कीर्ति मंदिर के राजप्रसाद को भित्ति चित्रों से किस वर्ष सजाया? 1933, 1924, 1942, 1943। शांति निकेतन में बहुत सारे भित्ति चित्र बनाए हैं नंदलाल बोस जी ने। हाँ, कई शीर्षक से बनाए। बोस ने कीर्ति मंदिर के राजप्रसाद को भित्ति चित्रों से किस वर्ष सजाया? बताइए, 1933, 1924, 1942 या 1943? बताइए। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? 1924 ईस्वी में। ठीक है ना, बड़ौदा राज्य के निमंत्रण पर नंदलाल बोस ने जाकर के कीर्ति मंदिर के राजप्रसाद में भित्ति चित्र बनाए थे। ठीक है ना, हाँ।
1924, 1924, 1924 ईस्वी में, ठीक है ना? ठीक साथियों, तो हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। ये लास्ट सवाल था, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, यानी कि लल्लन टॉप रिवीजन में। इधर कई दिनों से क्लास डिस्टर्ब है, उसके लिए अलग-अलग कारण है, और मुझे लगता है कि कल से कोई क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, सारी क्लास अपने टाइम पर चलेंगी, ठीक है ना? ओके, तो मिलते हैं सुबह 8 बजे लल्लन टॉप रिवीजन में, और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।